नमस्कार, मैं डॉक्टर मयूरी कोठेवाला हूँ, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स गायनेकोलॉजी जयपुर से, और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल में, जिसमें हम प्रेगनेंसी, महिलाओं से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। और मेरा ये टारगेट रहता है कि मैं ऐसे टॉपिक्स आपके सामने लेके आऊँ जो कहीं भी आपको, जिनके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं मिल रही है और आपके लिए कुछ समझना मुश्किल हो रहा है उनके बारे में, तो मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में उनको आपको समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको हेल्प मिले। आज इस वीडियो का टॉपिक भी कुछ ऐसा ही स्पेशल इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके बारे में मोस्टली पेशेंट्स को नहीं पता होता, और आज की इस वीडियो का टॉपिक है डबल मार्कर टेस्ट। जब भी आप प्रेगनेंसी के तीसरे महीने के आसपास पहुंचते हैं तो आपके डॉक्टर आपको एंटी एनबी सोनोग्राफी और एक डबल मार्कर टेस्ट एडवाइस करते हैं। तो ये डबल मार्कर टेस्ट क्यों एडवाइस करते हैं, इससे उनको क्या पता चलता है, और आपके लिए, आपके बेबी के लिए ये मार्कर टेस्ट कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और आपके फ्रेंड सर्कल में या आसपास कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं तो उनके साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो फ्रेंड्स, एंटी एनबी सोनोग्राफी के ऊपर मेरा एक अलग से पूरा डिटेल में वीडियो है, एंटी एनबी सोनोग्राफी क्यों होती है, कैसे होती है, कब होती है, क्या उससे हमें पता चलता है, तो उस एंटी एनबी सोनोग्राफी के बारे में मैं इस वीडियो में नहीं डिस्कस करूँगी। इसको जानने के लिए आप मेरा वो दूसरा वीडियो देख सकते हैं, और इस वीडियो में मैं केवल और केवल डबल मार्कर टेस्ट पे फोकस करूँगी। तो डबल मार्कर टेस्ट क्या होता है? प्रेगनेंसी में हम सभी जानते हैं कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो बच्चे को सपोर्ट करते हैं, कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो जैसे ही प्लेसेंटा इम्प्लांट होता है तो उसमें से रिलीज होते हैं। तो इन्हीं सब हॉर्मोन्स को स्टडी करके हमें एक आइडिया लग जाता है कि प्रेगनेंसी में क्या चल रहा है। जेनेटिक लेवल पे भी हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि कोई बच्चे में प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसा ही एक टेस्ट है डबल मार्कर टेस्ट। डबल मार्कर टेस्ट में हम दो हॉर्मोन्स को स्टडी करते हैं प्रेगनेंसी के, जो शुरुआती तीन महीने में जिनके लेवल्स जो हैं वो हमें इंडिकेट कर देते हैं, बता देते हैं कि प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये दो हॉर्मोन्स हैं फ्री बीटा HCG हॉर्मोन और पैप ए हॉर्मोन। पैप ए यानी कि प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए। तो ये दोनों हॉर्मोन्स के जो लेवल्स हैं उनको अगर हम सही टाइम पे स्टडी करें तो उससे हमें आइडिया लग सकता है कि बच्चे में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है। जेनेटिक प्रॉब्लम्स में, क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स में सबसे कॉमन जो होते हैं वो होते हैं एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। तो जब आपका बेबी डिवाइड होता है, सेल डिविजन होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, तो कई बार कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स बच्चे में हो सकती हैं। तो हम सभी जानते हैं कि एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। मेल्स में 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ XY सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, और फीमेल्स में 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ XX क्रोमोसोम्स होते हैं। तो सेल डिवीजन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। सेल डिवीजन के टाइम पे अगर किसी भी क्रोमोसोम का एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डेवलप हो जाए या मल्टीप्लिकेशन हो जाए तो उससे बच्चे में जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिनको हम अलग अलग नाम से, सिंड्रोम्स से जानते हैं। डाउन सिंड्रोम जो सबसे कॉमन है वो 21 ट्राइजोमी होती है, यानी कि 21 पोजीशन पे जो क्रोमोसोम है वहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम की जगह वहाँ पे तीन क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, तो उसको हम ट्राइजोमी 21 कह देते हैं। ऐसे ही दूसरे सिंड्रोम जैसे कि पटाउ सिंड्रोम, वहाँ पे क्रोमोसोम 13 पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, और एडवर्ड सिंड्रोम में क्रोमोसोम 18 पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। तो ये सब जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चे में किसी ना किसी तरह से प्रेजेंट कर सकती हैं। सिंड्रोमिक बेबीज़ जो होते हैं उनमें ग्रोथ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें कुछ और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, IQ इश्यूज, मेंटल प्रॉब्लम्स, ये सब भी हो सकती हैं। तो इसीलिए इन सब सिंड्रोम्स के लिए टेस्टिंग ज़रूरी है, स्क्रीनिंग टेस्ट ज़रूरी है टाइमली कि हम इनको डायग्नोस कर सकें। तो ये डबल मार्कर टेस्ट होता कब है? डबल मार्कर टेस्ट करवाने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, 11 हफ्ते से लेके 13 हफ्ते तक ही आप ये टेस्ट करवा सकते हैं। डबल मार्कर टेस्ट जनरली आपके एंटी एनबी सोनोग्राफी के साथ कंबाइन होता है। अकेले डबल मार्कर टेस्ट की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ऐसे ही
अकेले NTNB सोनोग्राफी की भी बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं होती है। ये दोनों टेस्ट जब कंबाइन हो के इनका रिज़ल्ट आता है तो उसकी सेंसिटिविटी 95% तक होती है। तो इसीलिए ये दोनों टेस्ट सेम टाइम पे करवाना ज़रूरी रहता है। यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि डबल मार्कर टेस्ट और NTNB सोनोग्राफी दोनों ही स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। और अगर इन टेस्ट में कुछ पॉजिटिव आता है या हाई रिस्क आता है बच्चे में जेनेटिक प्रॉब्लम होने का, तो हमें आगे डायग्नोस्टिक टेस्ट की ज़रूरत होती है। डायग्नोस्टिक टेस्ट इसलिए ज़रूरी हैं ताकि हम कंफर्म कर सकें ये स्क्रीनिंग टेस्ट के रिजल्ट्स को। अगर स्क्रीनिंग टेस्ट में ही लो रिस्क आ जाता है या फिर ये शो कर देते हैं कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं डिटेक्ट हुई है, उसके हार्मोन्स एकदम सही वैल्यूज शो कर रहे हैं, तो फिर हमें आगे फ्यूचर में कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट की नीड नहीं रह जाती है। डबल मार्कर टेस्ट सिंपल ब्लड टेस्ट है और नॉन इन्वेजिव टेस्ट है। इसमें आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है और उसको लैब में भेजा जाता है स्टडी के लिए। इसकी रिपोर्ट लगभग 3 से 4 दिन में आती है। अगर रिपोर्ट में कुछ डाउटफुल लगता है तो हो सकता है थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन अगर रिपोर्ट नॉर्मल है आपकी तो 3 to 4 days मैक्सिमम में रिपोर्ट आ जाती है। रिपोर्ट में आपके जो है इंटरप्रिटेशन होता है या तो लो रिस्क, इंटरमीडिएट रिस्क या हाई रिस्क। लो रिस्क वाले पेशेंट्स को आगे कुछ भी करवाने की नीड नहीं है, बस 5th month पे उनका फिर से एक सोनोग्राफी होता है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स के लिए। जो 5वें महीने की सोनोग्राफी है वो होती है एनोमली स्कैन जिसको हम कहते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई कन्फर्मेटरी या डायग्नोस्टिक टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है जेनेटिक प्रॉब्लम्स के लिए। इंटरमीडिएट रिस्क में भी हम वेट कर सकते हैं। इंटरमीडिएट रिस्क अगर आपके डबल मार्कर टेस्ट में आती है लेकिन बाकी सब चीज़ें नॉर्मल हैं, अगर आपका सोनोग्राफी NTNB सोनोग्राफी नॉर्मल आया है, आपके कोई हिस्ट्री नहीं है पहले किसी प्रेगनेंसी में ख़राब होने की, बच्चों में कुछ प्रॉब्लम्स होने की, या फैमिली में किसी और बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है, साथ में मदर की जो हेल्थ है वो एकदम हेल्दी कंडीशन में है, कोई उनको कोई बीमारी या कोई मदर में जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है या मदर में कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, तो हम आराम से वेट कर सकते हैं। और 5th month के सोनोग्राफी में अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं आती तो फिर हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। 5th month की सोनोग्राफी में अगर कुछ डिटेक्ट होता है इंटरमीडिएट रिस्क वालों में तो फिर हमें डायग्नोस्टिक टेस्ट की नीड पड़ सकती है। हाई रिस्क पॉपुलेशन एक ऐसा पॉपुलेशन है जिसमें हमें तुरंत ही कोई ना कोई कन्फर्मेटरी या डायग्नोस्टिक टेस्ट करवा लेना चाहिए। अगर आप वेट करना चाहते हैं हाई रिस्क होते हुए भी तो एक ऑप्शन रहता है, बट वो हम एडवाइस नहीं करते, वो टोटली पेरेंट्स का डिसीजन रहता है। उसमें आपको पूरी तरह से समझा दिया जाता है कि बच्चे में क्या क्या प्रॉब्लम्स होने के संभावनाएं हैं, और फिर भी अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि आप 5th month तक वेट करना चाहते हैं, सोनोग्राफी तक कोई इन्वेजिव टेस्ट नहीं करवाना चाहते हैं, तो वो भी टोटली आपके ऊपर डिसीजन रहता है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो था डबल मार्कर टेस्ट के ऊपर कि ये टेस्ट कब करवाना चाहिए, किसको करवाना चाहिए, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों इसको डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, और अगर डबल मार्कर में प्रॉब्लम आई है तो फिर हमें आगे क्या करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके इसे काम का रहेगा। थैंक यू।